वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा एंड इन टुडेज वीडियो हम क्या करने वाले हैं, कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। किसी भी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होता है, ठीक है। हम ग्रुप्स को डिटेल में और होमोमॉर्फिज्म को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं वीडियोस में, ठीक है। अब हम आज पढ़ते हैं कि उस होमोमॉर्फिज्म का कर्नल क्या होगा। सपोज कीजिए जी और जी डैश आपके पास दो ग्रुप्स हैं। ग्रुप्स होने के लिए आपको पता है कि हमें एक ऑपरेशन चाहिए होता है, तो जी और जी डैश हमने कोई दो ग्रुप्स ले लिए और हमने एक मैपिंग डिफाइन कर दी जी टू जी डैश सच दैट वो होमोमॉर्फिज्म है। क्योंकि क्यों डिफाइन करी वो, हमें होमोमॉर्फिज्म क्यों ली, क्योंकि हमने उसका कर्नल निकालना है, कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। तो सबसे पहले मैं आपको दो प्रॉपर्टीज बताती हूँ होमोमॉर्फिज्म की, जो कर्नल के लिए आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। वो दो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। देखिए कि जो कर्नल, जो होमोमॉर्फिज्म होती है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट में ही मैप कराती है। जैसे कि अगर जो ई की आइडेंटिटी है, जी की आइडेंटिटी सपोज करो है ई, आप ई के ऊपर अगर एफ अप्लाई करोगे तो यू विल गेट ई डैश, वेयर ई डैश विल बी आइडेंटिटी ऑफ जी डैश, ठीक है। ई डैश किसकी आइडेंटिटी है, जी डैश। तो ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, होमोमॉर्फिज्म की। ये बहुत जगह पे थ्योरम्स में आपको यूज होने वाली है, जहां पे भी आपको ये प्रूव करना हो कि कर्नल क्या है, सब ग्रुप है या क्या है, हर जगह आपको ये पता होना चाहिए कि जो आइडेंटिटी होती है होमोमॉर्फिज्म में इस वाले ग्रुप की, वो किस में मैप होती है, आइडेंटिटी में ही मैप होती है। सिमिलरली जो इनवर्स एलिमेंट होता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का इनवर्स। सिमिलरली जो इनवर्स एलिमेंट होता है इसका, जी का, वो भी एलिमेंट किस में मैप होता है, जी डैश के इनवर्स एलिमेंट में ही मैप होता है। अगर आप इनवर्स एलिमेंट पे अप्लाई करोगे, एफ अपनी अप्लाई करोगे, मैपिंग अप्लाई करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, इसका इनवर्स मिलेगा, ठीक है। आज पर हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, कर्नल पढ़ना है, ठीक है। कर्नल क्या होता है, व्हाट इज कर्नल ऑफ अ होमोमॉर्फिज्म। किसी भी ग्रुप में, अब मैंने आपको बताया कि इसकी आइडेंटिटी जो है वो इसकी आइडेंटिटी में मैप कर रही है। आइडेंटिटी के अलावा इसमें, जी में, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आइडेंटिटी में ही मैप करते हैं। कि अगर हम, मैं जी के कुछ एलिमेंट्स पे एफ अप्लाई करूं और मुझे आइडेंटिटी मिल जाए, ऐसे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो किस में आएंगे, वो कर्नल में आएंगे, ठीक है। लेट एफ जी टू जी डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म, देन कर्नल ऑफ एफ, पहले ये लिख लीजिए डिनोट कैसे करते हैं, इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोट करते हैं इसको, या तो आप लिखेंगे कर्नल ऑफ एफ, एफ लिखेंगे, या फिर आप के लिख देंगे, ठीक है। कैसे, कर्नल ऑफ एफ की डेफिनेशन क्या होती है, एंड इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करते हैं हम, डिफाइंड एज कर्नल ऑफ एक्स, कर्नल ऑफ एफ, एक्स बिलोंग्स टू जी, जी के वो एलिमेंट्स, एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, कि जब हम उन एलिमेंट्स पे एफ अप्लाई करें तो व्हाट शुड वी गेट, वी शुड गेट ई डैश। व्हाट इज ई डैश, ई डैश, वेयर ई डैश इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश। तो ये होता है कर्नल एफ, ठीक है। कर्नल एफ को और हम क्या लिख सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, वो देखिए आप क्या लिख सकते हैं हम, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी, किनके एलिमेंट्स, कौन सा सेट है ये, जी के एलिमेंट्स का सेट है कर्नल एफ, ठीक है। द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी विच आर मैप, जो किस में मैप होते हैं बताइए, विच आर मैप इन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी डैश, जो जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट में मैप होते हैं, ये उन एलिमेंट्स का सेट होता है। तो आपको जी, आपका जो भी ग्रुप हो, सपोज कीजिए आपके पास दो ग्रुप्स हैं, ठीक है, हम दो ग्रुप्स लेते हैं। अभी हम इसका एग्जांपल भी डिस्कस करने वाले हैं, एफ कहां से ले लें हम, जेड टू, मैंने जी ले लिया, ठीक है।
सपोज कीजिए ये एक एडिटिव ग्रुप है और जी को हम डिफाइन कर लेते हैं, जी एक ग्रुप है प्लस माइनस वन प्लस माइनस आयोटा अंडर मल्टीप्लीकेशन, ये हमने एक ग्रुप ले लिया, ठीक है। तो अब हमने ये देखना है कि क्या इसका कर्नल हम कैसे निकालेंगे। अब इस मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, वन है, तो मुझे जेड के सच दैट पहले हम डिफाइन कर लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई की पावर एक्स ले लीजिए या फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई की पावर एक्स, ठीक है, इससे हम डिफाइन कर लेते हैं। अब हमने ये देखना है कर्नल में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन से आएंगे, कर्नल में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जिनकी इमेज क्या हो, वन हो। अब इमेज वन आपको कब मिलेगी, किस किस एलिमेंट की, ये क्या है, कैसे आपको इमेज निकालनी है, इंटीजर्स है आप, वेयर एक्स बिलोंग्स टू जेड, ओके, आप इंटीजर्स अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप वन अप्लाई करेंगे, आयोटा मिलेगा, वन नहीं मिलेगा, आपको पता है कब मिलेगा, जीरो पे मिल सकता है एक तो, ठीक है, तो कर्नल में जीरो आएगा। क्यों आएगा जीरो, क्योंकि जब हम जीरो डालेंगे जेड का एक एलिमेंट तो हमें इमेज क्या मिली, वन मिली, तो इसलिए वो एलिमेंट कर्नल में आएगा। जिस भी एलिमेंट की इमेज आइडेंटिटी होगी, इसकी आइडेंटिटी, वो एलिमेंट कर्नल में आएगा। तो नेक्स्ट आप बताइए क्या आएगा मुझे, नेक्स्ट होगा आयोटा रेस टू पावर फोर, ठीक है, आयोटा रेस टू पावर फोर भी क्या होता है, वन होता है, ठीक है, बट ये इंटीजर्स है तो माइनस फोर भी होगा, तो नेक्स्ट होगा प्लस माइनस फोर, क्योंकि उनकी इमेज भी क्या मिलेगी, वन, तो बेसिकली तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस एट अप टू सो ऑन, प्लस माइनस एट, प्लस माइनस ट्वेल्व, प्लस माइनस सिक्सटीन, फोर के मल्टीपल्स, क्योंकि हमें पता है कि आयोटा रेस टू पावर फोर क्या होता है, वन होता है। हमने वन ही क्यों लेना है, क्योंकि हमने जी डैश की, जी की इस वाले ग्रुप की आइडेंटिटी लेनी है, जो भी एलिमेंट्स इसके आइडेंटिटी में मैप करेंगे वो कर्नल में आ जाएंगे, ठीक है। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं कि कैसे हम कर्नल उसमें निकालेंगे, ठीक है, तो लेट सी, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत ही सिंपल। इसमें आपको क्या करना है, आपको एफ एक मैपिंग दे रखी है, ठीक है, आर टू सी नॉट, ये सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर आयोटा एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यू नीड टू प्रूव कि एक तो एफ जो होगा वो होमोमॉर्फिज्म होगा, एंड सेकेंड थिंग कि इसका हमने कर्नल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना हम ऑलरेडी कर चुके हैं, कैसे प्रूफ करते हैं, सच दैट एफ ऑफ, मैं सिंपल सा ले लेती हूँ, एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू, ये निकालेंगे हम, ठीक है। प्लस क्यों लिया मैंने, क्योंकि इस वाले ग्रुप का ऑपरेशन प्लस है। इफ यू वॉन्ट टू स्टडी इन डिटेल यू कैन गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पे आपको होमोमॉर्फिज्म का लिंक मिल जाएगा, ये हम कैसे प्रूफ करते हैं, ठीक है। एफ ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू क्या होगा, ई रेस टू पावर आयोटा एक्स वन प्लस एक्स टू क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर आयोटा एक्स वन इंटू ई रेस टू पावर आयोटा एक्स टू, ठीक है, हो जाएगा। और ई रेस टू पावर आयोटा एक्स वन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू। तो ऐसे हम प्रूफ करते हैं कि एफ एक होमोमॉर्फिज्म है। यहाँ पे ऑपरेशन क्या होता है, इस वाले ग्रुप का मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे ऑपरेशन होता है इस वाले ग्रुप का, ठीक है। तो हेंस एफ इज होमोमॉर्फिज्म। बट आज हम क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडी कर्नल, ओके। अब कर्नल आपका क्या होता है, कर्नल ऑफ एफ, ये भी बहुत सिंपल है यहाँ पे निकालना। सबसे पहले जब भी आपको निकालना हो, आप थोड़ा सा डेफिनेशन को लिखिए, कर्नल ऑफ एफ में क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू आर, आर क्यों लिखा मैंने, जी होता है वैसे यहाँ पे, बट हमारा जी क्या है यहाँ पे, आर है। सच दैट एफ ऑफ एक्स, ठीक है, सच दैट एफ ऑफ एक्स, कौन से एलिमेंट लेने हैं, जिनकी इमेज क्या हो, जो आइडेंटिटी में मैप करते हो, है ना, आइडेंटिटी क्या है इस ग्रुप की, वन है, ओके, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन, यही होगा कर्नल। समझ आया आपको कि एक्स बिलोंग्स टू आर, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो, वन हो, ठीक है। अब हमने ये बताइए कि किन किस एलिमेंट्स की इमेज वन होगी, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ ऑफ एक्स क्या है, ई रेस टू पावर आयोटा एक्स आपका वन होना चाहिए, सिंपल है, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट ई रेस टू पावर आयोटा एक्स क्या होता है, कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, ठीक है। और ये आपको किन पे मिलता है, ये तो आपको पता ही है, जीरो।